सॉल्यूशन में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर थर्ड का क्वेश्चन नंबर फोर्थ लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, कह रहा है कि ए पार्ट में थ्री रेजिस्टर्स 2 ओम 4 ओम 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सेकेंड पार्ट है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी आप EMF 20 वोल्ट एंड निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में इक्विवेलेंट, अब ये हमारे पास थ्री रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर ये हो गया, सेकेंड हमारा रेजिस्टर ये है और थर्ड रेजिस्टर ये है, इनको ऐड किया गया पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन और इनको ऐड किया गया एक बैटरी से, और यहाँ पे हमने ऐड किया एक बैटरी और ये हो गया। अब बैटरी हमारी है 20 वोल्ट की, 20 वोल्ट की बैटरी है, यहां से करंट टूटी आपकी इस जगह पर, ऐसे अगर यहां से आई करंट आ रही है तो इस जंक्शन पर थ्री पार्ट में करंट टूट जाएगी, इसमें चलेगी I1, इसमें फ्लो होगी I2, इसमें होगी I3। अब यहाँ पे ऐसे I1 आ रही है, ये इस तरह से इस जंक्शन पर तीनों करंट मिल रही है, तो यहाँ पे ऐसे चलेंगे I और फिर इसमें आपकी आई, यानी जितनी करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकली थी उतनी ही करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में इंटर करेगी। तो ये हमारा है। अब फर्स्ट पार्ट में इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट इसका होता आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम ले लेते हैं, यहां से 1/R इसको इक्विवेलेंट लिख दे सकते हैं, R1 + R2। अब सबकी वैल्यू रखते हैं 2, 4, 5, तो 2 ओम का है, 4 का है, 5 का है। अभी इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 20 होगा और ऊपर ऐड करेंगे तो 90। अब हमको ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, पी फॉर पैरेलल, तो अब इसको रेसिप्रोकल कर दे तो हमको मिलेगा 20/19 ओम, ये हमारा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब सेकेंड पार्ट, यहाँ पे 20 का वो लगा है आपका वोल्ट का EMF, बैटरी लगाई गई है एंड निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हमको ईच रेजिस्टर में करंट फाइंड करनी है एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी, और बैटरी से कितनी करंट ड्रॉन की जाती है। तो इस पार्ट को हम लोग कर लेते हैं, करंट ड्रॉन थ्रू डिफरेंट रेजिस्टर आर कितना होगा, पहला I1 E/R1, क्योंकि इसकी खासियत होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की कि जितने भी हमारे रजिस्टर होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सेम होता है, बट करंट जो होती है डिफरेंट होती है। तो फर्स्ट रजिस्टर जो 2 ओम का है उसमें हमारा यहाँ पे EMF लिखे और रेजिस्टेंस 2 ओम का है, तो 10 एम्पियर की करंट हमारी R1 में फ्लो हो रही है। सेकेंड को कैलकुलेट करें तो I2 E/R2, तो ये 20/4, 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ पे I3 E/R3, ये 20/5 है, तो ये हमको मिलेगा 4 एम्पियर, यानी टोटल रेजिस्टेंस 10, 5 और ये आपकी मिल रही है। तो टोटल करंट जो हमारी होगी इतनी मिलेगी, यहाँ से हम टोटल करंट देख लेते हैं, तो टोटल करंट हमारा कितना हुआ, I जो होगा ये होगा I1 + I2 + I3, तो ये हमको मिलेगा 10 + 5 + 4A, तो ये हो गया। आप देखें 10 और 5 और ये कितना हो जाएगा 15, 14, 19 एम्पियर, टोटल करंट जो ड्रॉन होगी वो होगी 90 एम्पियर की। थैंक यू स्टूडेंट।